नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है? जब हम यहाँ से मर करके जाते हैं तो हमें दो यमदूत लेकर जाते हैं, और कहाँ लेकर जाते हैं? यमपुरी यानी यमलोक। सबसे पहले हम मर करके कहाँ जाते हैं? यमपुरी। तो यमपुरी जाने में एक आत्मा को कितना समय लगता है? 13 दिनों का। यमपुरी जाने में कितना समय लगता है? 13 दिन। 13 दिन हमें वहाँ जाने में लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, मृत्यु के 13 दिनों के बाद तेहरवी की जाती है, क्योंकि जो जीव है यानी जब हम लोग मरते हैं ना, हमारे शरीर से हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है, और आत्मा निकल कर के कहाँ जाती है? सूक्ष्म शरीर में। क्या आप लोग बता सकते हैं कि हमारे पास शरीर कितने होते हैं? 2 होते 3 हैं, लेकिन हम आपको बात 2 शरीरों की बताएंगे। एक स्थूल शरीर होता है, दूसरा कारण शरीर होता है, और तीसरा सूक्ष्म शरीर होता है। कारण शरीर तो वो होता है जिसके कारण हमें शरीर मिलते हैं, जैसे कि पशु का, जानवर का, हाथी का या फिर मनुष्य का। कारण शरीर तो कर्मों के अधीन होता है। इसीलिए दोस्तों, 2 शरीरों की बात करें। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, ये जो आपसे बात कर रहा है या फिर आपके पास जो है, ये कौन सा शरीर है? एक शरीर और होता है सूक्ष्म शरीर। और हमारे शरीर कितने होते हैं? 3। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जब आप लोग सोते हैं और आपको सपना आता है तो वह सपना कौन सा शरीर देखता है? सूक्ष्म शरीर। हम तो यहाँ सोए पड़े हैं, हमने सपने में देखा कि हम हरिद्वार चले गए, वैष्णो देवी धाम चले गए, या फिर अमरनाथ धाम चले गए, और या फिर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, हम तिरुपति बालाजी चले गए। दोस्तों, हमारा शरीर तो यहाँ था, लेकिन हम सपने में भी एक शरीर के साथ घूम रहे हैं, और वहाँ भी हमारी आंखें हैं, हाथ हैं, पांव हैं। दोस्तों, उसके बाद हम भागते भी हैं सपने में, रोते भी हैं, डरते भी हैं, चीखते भी हैं और चिल्लाते भी हैं। तो हमारा शरीर एक जो स्वप्न का दृष्टा है, उस शरीर को हम लोग क्या नाम देते हैं? सूक्ष्म शरीर। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर। जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है तो किस शरीर से निकलती है? इसका मतलब स्थूल से, और हमारे सूक्ष्म शरीर में जाकर के मिल जाती है। आत्मा इस शरीर से निकल करके कहाँ जाती है? सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म शरीर जो है, ये वही शरीर है जो स्वप्न का दृष्टांत था, जिससे आप लोगों ने स्वप्न देखा था। और दोस्तों, इसी शरीर को पकड़ करके यमदूत ले जाते हैं, और ये शरीर वहाँ 13 दिनों में पहुँचता है, इसीलिए तेहरवी की जाती है। तेहरवी में 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं, ब्राह्मणों के बाद समाज खाता है। कहते हैं कि आपने जीवन में कोई पुण्य ना किया हो तो तेहरवी में जब आपके नाम से आपके बच्चे 13 ब्राह्मणों को और समाज को भोजन कराते हैं, तो वह पुण्य भी आपके खाते में जुड़ जाता है कि आपने जीते जी तो खुलाया नहीं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो किसी गरीब को 2 रोटी भी नहीं देते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी तेहरवी, अपनी बरसी जीते जी कर लेनी चाहिए। मरने के बाद आपके बच्चे करें या ना करें, बाप अपने बच्चों के लिए कितना भी कमा करके क्यों ना रख दें, लेकिन बच्चे सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया। जबकि हर बच्चे का धर्म बनता है कि वह अपने माँ बाप की तेहरवी और बरसी बड़ी खुशी के साथ करनी चाहिए, अर्थात ज्यादा से ज्यादा भोजन समाज को कराना चाहिए, यदि आप योग्य हैं तो। और नहीं है तो नमक रोटी खिला करके भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आप इस योग्य हैं तो आपको करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।